मोदी जी आए थे तो मैंने भगवान का कृपा से ये अवसर मेरे को मिला था कि भगवान का मोदी दरबार की भारत माता के लिंगराज महाराज के दरबार हर हर लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग लिंगराज टेम्पल के दर्शन करने और बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर है और बाहर से आप लोगों को दर्शन कराएंगे क्योंकि अंदर लगभग कैमरा ले जाना मना है। तो अभी सभी लोग बढ़िया सुंदर दर्शन कर रहे हैं टेम्पल के सिंह दरवाजे पे खड़े हैं और सिंह दरवाजा लिंगराज कहते हैं कि जो स्वयं भू हैं और शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान उनके बीचों बीच स्थित हैं तो लिंगराज का मतलब है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनका राजा लिंगराज और स्वयं शिव कहते हैं कि विष्णु मेरे आराध्य हैं और शिव कहते हैं कि विष्णु मेरे आराध्य हैं। तो ऐसे दिव्य मंदिर के आप लोगों ने दर्शन करें, ये भुवनेश्वर क्षेत्र में लिंगराज टेम्पल के पास है, इसके चारों तरफ बड़ा अद्भुत दृश्य है चारों तरफ और अनेक देश विदेशों से लोग यहाँ पधारते हैं और दर्शन करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश जोशी यात्रा और रमेश जी हमारे साथ हैं, बड़ा आनंददायक दर्शन कर रहे हैं। बोल साजे दरबार की जय, साजे दरबार की जय, शिव शंकर भगवान की जय, साजे दरबार की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम यहाँ का महात्म्य आपसे जान चुके हैं लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम है प्रफुल्ल पंडित। और यहाँ क्या है, कैसा है और जगन्नाथपुरी में क्या है, आप एक सूक्ष्म सा बता दीजिए। जो लिंगराज बाबा जो है ये आपको जैसे पता है सारा संसार में 12 ज्योतिर्लिंग जो है लिंगराज बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं है, ये स्वयंभू लिंग है। यहाँ अपने आप खुद जमीन से प्रकट हुए थे इसीलिए बाबा का नाम है भू ईश्वर भुवनेश्वर और बाबा का नाम से ये जगह का नाम है भुवनेश्वर। और सबसे बड़ी बात है लिंगराज बाबा जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों का राजा इसलिए नाम है लिंगराज। आप लिंगराज बाबा का दर्शन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का फल प्राप्ति होता है, अंदर दर्शन मिलेगा आपको। भगवान शिव जी का जलेरी है बहुत बड़ा है, 22 हाथ का गोलाकार है, 7 हाथ के चौड़े, 9 हाथ के लंबाई, 1 हाथ का ऊंचाई, मगर बीच में लिंग नहीं है। यहाँ बीच में भगवान विष्णु का शालिग्राम मूर्त है और शिव जी का शरीर ये हरिहर भगवान है। शिव जी के लिए बिलपत्र अभिषेक और विष्णु जी के लिए तुलसी अन्न प्रसाद का पूजन होता है। ये 11वीं शताब्दी में तीनों राजा ने मिलकर ये मंदिर बनवाई थी, राजा कोणार्क का 13वीं शताब्दी में और जगन्नाथ जी का 12 शताब्दी में, 11, 12 और 13। और जगन्नाथ जी जो है ये जगन्नाथ जी जैसे आपको पता है सारा भारत में 4 धाम है, भुवनेश्वर में ये तो एक ज्योतिर्लिंगों का राजा है और पूरी जगन्नाथ जी चारों धाम से सबसे बड़ी धाम है पूरी जगन्नाथ। अगर पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे तो आपको चारों धाम का दर्शन का फल प्राप्ति हो जाता है। जय जगन्नाथ। जब यहाँ कोई आए तो किस नाम से आपको जाने?
जो आए। मेरा नाम है प्रफुल्ल पंडित, प्रफुल्ल मोदी जी आए थे तो मैंने भगवान का कृपा से यह अवसर मेरे को मिला था कि भगवान का मोदी दरबार की भारत माता के लिंगराज महाराज के दरबार दरबार की लिंगराज महाराज की जय। हम लोग लिंगराज महाराज के दरबार में हैं, बड़ा दिव्य अनुभव, आनंददायक, और आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं, बड़ा दिव्य आनंद लीजिए। दिव्य मंदिर दिव्य बड़ा मंदिर को कहते गोपुरम गणपुर जामिन भगवान रहते हैं। सेकंड हम जो दूसरा वाला जो है उसको कहते यज्ञशाला जगमोहन। तीसरा जो दरबार जननी दुर्गा माता के लिंगराज महाराज के। हम लोग जो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिंगराज जो स्वयंभू हैं, और स्वयंभू जब निकले तो उनको ऊपर शालिग्राम शिव जी का वो निकला, तो ऐसे लिंगराज के दर्शन हम लोग ने किए, ये हमारे अहोभाग्य हैं। अब हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं सभी के हम लोगों ने दर्शन करने हैं। जो इनके अधिष्ठात्री हैं जगन्नाथ जी, उनके दरबार में हम जा रहे हैं। बहुत जाते दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत जाते दरबार की जय। हर हर महादेव। आइए